हाय दोस्तों, नमस्कार, राधे राधे। बताइए कैसे हो आप लोग। होप आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे और हम भी अच्छे हैं। और देखिए, आज थोड़ा सा आई मेकअप वगैरह किया है, किसने किया है, बेटी ने किया हुआ है, तो ये देख सकते हैं आप आई मेकअप कैसा लग रहा है, हल्का सा। और बाकी मैंने कुछ भी नहीं लगाया हुआ है, बस मैं फेस का जो सीरम होता है वही लगा लेती हो गया, और थोड़ा सा मैंने रेड लिपस्टिक मैंने लगाया। और मैंने पहना है आज ये वाली, देखिए येलो कलर की साड़ी। और आज कौन सा डे है मैं बता रही हूँ, आज क्या पूर्णमासी। तो आप लोग भी पूर्णमासी का कौन कौन व्रत करते हैं जरूर बताइएगा। तो आज दो दो चीज़ साथ में है, एक तो पूर्णमासी है ही और साथ में है आज शरद पूर्णिमा। तो आज मेरा व्रत है ये बारहमासी वाला, जो पूर्णमासी होता है मैं उसका व्रत करती हूँ, आप लोग को पता ही है। मैंने कई बार इसका ब्लॉग मैंने वीडियो शेयर किया है और पूर्णमासी पूजा का। और आज बहुत सी बहनें जो रहती हैं, एक साल में व्रत आता है शरद पूर्णिमा का, वो रहती हैं, वो लोग भी मतलब उसका व्रत थोड़ा ही अलग सा होता है, उसमें सहेलियाँ बनाई जाती है और मतलब अलग से उसकी थोड़ी पूजा होती होती तो शाम को ही पूजा है, जब हम शाम को चंद्रमा जी की पूजा करते हैं। और बस अभी हमारा पूजा पाठ वगैरह हो चुका है, चाय भी हो चुकी है, कौन सी काली चाय मैंने थोड़ा पिया है, क्योंकि मैं काली चाय नहीं पीती ना तो मतलब मेरा सिर बिल्कुल घूमने लगता है इसलिए। और बताइए कैसा लग रहा है ये मेरा हल्का सा मेकअप। और ये मेकअप मेरा ना थोड़ा सा जो हल्का फुल्का है, तो ये बिटिया रानी ने किया हुआ है मेकअप। और आज मैंने कुछ लिया हुआ है तो चलिए मैं वो भी दिखा देती हूँ आप लोग को, आज मैंने क्या लिया है। और मैं हमेशा मतलब करवा चौथ की तैयारी वगैरह जो होती है ना, तो मतलब अब शुरू हो चुकी है और ये तैयारी आज से ही अभी मैंने शुरू किया है, तो अभी ज़्यादा कुछ शॉपिंग वगैरह तो नहीं किया। और चलिए दिखा देती हूँ आज मैंने क्या लिया हुआ है विशेष चीज़। देखिए फ्रेंड्स, मैंने आज क्या लिया हुआ है तो चलिए मैं दिखा देती हूँ। तो ये देखिए, करवा चौथ की तैयारी चालू हो चुकी है, तो मैंने यहाँ पे करवा लिया है दो ठो, ये देखिए, और दोनों अलग अलग कलर के हैं, लेकिन मैं मिट्टी का करवा ही पूजा करती हूँ, करवा से ही पूजा करती हूँ। बहुत से लोग पीतल का करवा से पूजा करते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं मिट्टी के दो करवा यूज करती हूँ। और मैंने एक जो अगले साल का वीडियो मैंने डाला हुआ था करवा चौथ का पूजन का वीडियो, तो आप लोग देख सकते हैं, देख लीजिएगा। और चलिए फिर धीरे धीरे तैयारी वगैरह सब शुरू हो चुकी हैं, और क्या करना है, खाना वगैरह भी बन चुका है, और ये भी दुकान चले गए हैं। और आज बच्चों का छुट्टी है, क्योंकि आज डे कौन सा है, संडे। और यहाँ पे देखिए बच्चे लोग भी बैठे हुए हैं, ये देखिए गॉसअप करते हुए, क्योंकि गॉसअप करने का टाइम नहीं मिलता है। और अभी ये दो तीन दिन की जो दशहरा से छुट्टियाँ चल रही थी ना नवरात्रि से, तो वही छुट्टियाँ चल रही हैं अभी। और बस हो गया, कल से इनका सबका स्कूल पढ़ने शाम हो गई है। और बस देखिए मैंने रेडी हो चुकी हूँ, और तो मैंने साड़ी को चेंजिंग कर लिया है, और बस मैंने पोनी वगैरह बना के रख लिया। आज मैंने पिंक लिपस्टिक लगाई है ब्लाउज की मैचिंग की, और बनाने वाली हूँ क्या खीर, क्योंकि आज है शरद पूर्णिमा। और वैसे ही हूँ मैं बारहमासी वाली पूर्णमासी, मतलब शरद पूर्णिमा वाला व्रत नहीं कर रही हूँ, लेकिन आज के दिन विशेष महत्व होता है खीर का, तो ज़रूर से ज़रूर बनाना चाहिए, आप लोग भी ज़रूर बनाना, ठीक है। तो चलिए फिर बना लेते हैं। फटाफट से इसमें मैं अभी पानी से उबाल रही हूँ, और फिर मतलब पानी बहुत ज़्यादा नहीं डाला है, हल्का सा पानी डाला है केवल चावल पकने के लिए। और इसके बाद ही मतलब बहुत ही जल्दी से ये ट्रिक होती है जो हमारी, तो इससे हमारी खीर बहुत ही जल्दी बनकर रेडी हो जाती है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगाना पड़ता, नहीं आधे घंटे लग जाते, पौन घंटे लग जाते हैं। तो मैं ऐसे करती हूँ, चावल जैसे इसको पकाऊंगी, और फिर इसको दूध में बढ़िया सा, मतलब इसको दूध में जब गर्म हो जाएगा इस चावल को उसी में डाल देते हैं, और फिर चीनी वगैरह डाल देंगे, बहुत ही बढ़िया सा मतलब आ जाता है। और चलिए दिखाती हूँ, पूजा की तैयारी भी हो गई है, तो पूजा की तैयारी हमारी जो होती है सिंपल सी होती है, तो चलिए हम दिखाने वाले हैं कहाँ पे पूजा कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पहले पट खोल देती हूँ भगवान के, यहाँ पे तो ये देखिए बंद है पट, तो पट यहाँ पे खोल देते हैं। जय श्री कृष्ण, राधे 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 राधे, जय श्री कृष्ण राधे राधे महाराज की। तो आप लोग भी हमारे लल्ला जी का दर्शन कर लीजिए,
और बस यहाँ पे भी हम दीपक जला देंगे पूजा करने जाने के पहले, और फिर यहाँ आके बाद में हम आरती पूजा करेंगे, क्योंकि पहले छत में करेंगे तो खीर हमारी तैयार हो जाए, क्योंकि आज सफ़ेद चीज़ मतलब वैसे भी आप जब भी पूजा करो तो वाइट वस्तु का मतलब उनको सफ़ेद बहुत ही पसंद होता है चंद्रमा जी को, और चाहे सफ़ेद फूल हो, चाहे सफ़ेद वस्त्र हो, चाहे सफ़ेद पकवान हो, उनको बहुत ही पसंद होता है, इसलिए हम सफ़ेद श्वेत चीज़ का भोग लगाते हैं, मीठा हो तो क्या होता है कि उनको बहुत ही पसंद होता है, वो बहुत ही खुश होते हैं। और आप साबूदाने बना सकते हैं और क्या क्या जो जो बनता है सफ़ेद कलर का तो बना सकते हैं। तो अभी इस बार हम खीर बना रहे हैं और भी चीज़ बनाते रहते हैं, बट आज बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, तो देखते हैं यार। सीटी बंद कर देती हूँ। सो गाइस, यहाँ पे मैं छत पे आ गई हूँ, लेकिन अचानक से मौसम मतलब 5 बजे से इतना ज़्यादा ख़राब कर दिया, 6 बजे के पहले से ही 5:30 बजे बोलते बहुत ही ज़्यादा, तो बस बिल्कुल घड़ करने में लगा था। और यहाँ पे मैं पूजा पाठ कर रही थी, पूजा पाठ का ज़्यादा वीडियो शूट नहीं करा क्योंकि पानी भी गिरना चालू हो गया था, मतलब जीमा जम बिल्कुल लग गया था, लगा पूजा कैसे कर पाऊंगी। आ गई हूँ और देखा था ना आपने मौसम कितना ज़्यादा ख़राब किया हुआ, बहुत ही ज़्यादा मौसम ख़राब किया है। और बस यहाँ पे अब बनाना है क्या इनके लिए, मैंने चाय बना दी है, ये अभी आए दुकान से। और यहाँ पे देखिए मैंने आलू काट के रखा हुआ, तो आलू फ्राई करूँगी। रुको रुको भैया रुको, गऊ माता को निकालना अभी। और यहाँ पे पूड़ियाँ के लिए मैंने कढ़ाई चढ़ाई हुई है, जिसमें से अभी 2-4-5 पूड़ियाँ निकल गई हैं, और यहाँ पे मैंने बेल के रखा हुआ है। तो चलिए फिर हम पूड़ियाँ को फ्राई कर लेते हैं। और रुको रुको भैया रुको, अभी नहीं कच्ची आलू नहीं, देखिए हम पूड़ियाँ को ऐसे फ्राई कर लेंगे और पहले पूड़ियाँ निकाल लेंगे, फिर इसके बाद ही हम आलू को फ्राई करेंगे, क्योंकि इस व्रत में भी हम नमक नहीं लेते हैं। ज़्यादातर व्रत ऐसे होते हैं कि हम नमक का बिल्कुल से यूज नहीं करते इसलिए। और मैंने खीर भी बनाई है, लेकिन खीर आज नहीं खाऊंगी, खीर को छत में रख देंगे, और फिर जब उसमें अमृत की बूंदें पड़ जाएंगी चलनी में डाल छान के, मतलब ऊपर से ढक के कि चंद्रमा का उजेला उसमें आए, तो फिर सुबह मतलब उसको खाएंगे सबसे पहले मंजन करने के बाद, उसी का प्रसाद सभी को ही लेंगे, इसलिए आज नहीं खाएंगे। तो गाइस फिर मैं मतलब अभी मैंने भोजन बना लिया है, गौ के लिए निकाल दिया है, तो गाय को मैंने खिला दिया क्योंकि गेट पे खड़ी ही रहती है, तो मैं हाथों हाथ खिला भी देती हूँ। कन्या भोजी भी निकाल दिया है बेटी के लिए, बच्चों को मैंने लगा दिया थाली, और बस यहाँ पे देखिए हमारी भी थाली लगी हुई है। यहाँ पे मैंने आलू फ्राई किया हुआ है, ये केले 2 रखे हुए हैं, और यहाँ पे मैंने पूड़ियाँ रखी हुई हैं, मतलब 5-6 पूड़ियाँ रख लिए, छोटी छोटी पूड़ियाँ हैं, और वहीं वहीं पे बैठ जाऊँगी, जो खिलाया जो खबरेगा तो खाऊँगी, नहीं तो फिर वहीं पे रख दूँगी, बच्चों को दे दूँगी। और बस नमक से लेते नहीं है, तो बस मैंने इतना ही भोजन बनाया, खीर बनाया है, लेकिन खीर आज नहीं खाएंगे, खीर खाएंगे कल, क्योंकि छत में रखेंगे अमृत की जब बूंदें पड़ेंगी तब उसके बाद खीर, सुबह से सुबह ब्रश करके सबसे पहले खीर खाएंगे पानी पी के। तो चलिए फिर यहाँ पे ब्लॉग का मैं एंडिंग कर रही हूँ, आप लोग बताइएगा आप लोग यदि जो कोई हमारी बहनें भाई पुनवासी का व्रत करते हैं तो आप लोग क्या भोजन लेते हैं ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो बस यहीं पे मैं ब्लॉग एंडिंग कर रही हूँ, और बहुत ही ज़्यादा गर्मी लग रही है, और बस अब जा रही हूँ, थोड़ा सा कुछ खाऊँगी, मन तो नहीं कर रहा बट 2-3 पूड़ियाँ ज़रूर खाऊँगी मैं, और खाना भी ज़रूरी है। और बस यहीं पे ब्लॉग कर रही हूँ एंडिंग, आप लोग को ब्लॉग हमारा कैसा लगा ज़रूर आप लोग कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।